ओडिशार विकास रे मोदी सारथी केन्द्र सहायतार विकास धारा रे जोड़ी हला आउ एक फर्द धर्मेन्द्र उपस्थिति रे दुई एनएच प्रकल्पर शुभारंभ कले शाह और नवीन शाह कहले मोदी फोकस रे पूर्व भारत विकास केन्द्र सहयोग पाई नवीन देले धन्यवाद मोदी और शाह को कृतज्ञता ज्ञापन कले धर्मेन्द्र भारत सरकार और उड़ीसा सरकार सड़कों के नेटवर्क को तीव्र और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है गमनागमन और जोगाजोग क्षेत्र में आउ एक माइल खुंट लोकसेवा भवन रे बीसी मोड रे दुईटी एनएचआई प्रकल्पर शुभारंभ करिछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित थिले केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कामाख्या नगर डुबरी चारिथकिया एनएच रो शुभारंभ सह मोटेर बानेर जातीय राजपथ भाया लडु गाँव लोकार्पण करिछंती शाह कहिछंती मोदी सरकार का फोकस रे पूर्व भारत नौ वर्ष रे जातीय राजपथ रे कोन विकास होई छी तार भी हिसाब देइछंती शाह राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जहां तक ओडिशा का सवाल है ढेर सारी प्रमुख परियोजनाएं की गई हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 18 बालासोर से जार पोखरिया तक लगभग 80 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए की खर्च से राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बिंजाब हाल से तेलीबानी खंड 78 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 9 साल के अंदर एक बहुत महत्व दिया गया। इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो विकास का काम हुआ है इससे समग्र ओडिशा के अर्थतंत्र को गति मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में समग्र देश में न केवल पूर्व में समग्र देश में कहा था कि देश के पूर्वी हिस्से का जब तक विकास नहीं होता देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्वी क्षेत्र का विकास जब हम करते हैं पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को विकास के मापदंड पर एक समान जगह पे लाते हैं तभी देश का विकास हो सकता है और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र को हमेशा एक तवज्जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी और ओडिशा को विशेष तवज्जो देने का काम किया है। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है, मुठभेड़ों में 32% कमी आई है, मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है और टोल पेंटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आम संघीय व्यवस्था रे विश्वास करुछ केंद्र सरकार का सहयोग रे विकास रे धारा आगु को नेउछ केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दुई प्रकल्प पाई मोदी और शाह को धन्यवाद देछु। ओडिशा ऑलवेज बिलीव्स इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स सपोर्ट फॉर द स्टेट इन इट्स डेवलपमेंट एजेंडा। द न्यू ओडिशा इज अ यूनिक transformation story setting benchmarks across various sectors। ओडिशा की पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री बैठे हैं और मैं हम एक ही जिले से आते हैं। ये जिले ये रास्ता पहली बार एक ग्रामीण सड़क से स्टेट पीडब्ल्यूडीसी सड़क से जब अटल जी प्रधानमंत्री थे
तब इसको पहली बार एनएच का मान्यता दिया गया था। उस समय में 90s की अंतिम दशकों में 2001-2 में जो एक कच्ची सड़क एनएचआई में परिवर्तित हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वो 4 लेन की राष्ट्रीय महामार्ग बन रहा है। इसकी लोकार्पण के लिए आप आए हैं और एक प्रकार से मेरे गांव को आप रास्ता देने के लिए आए हैं, मैं मेरे जिले की ओर से भी आपका आभार प्रकट करता हूं। दुईदिनिया गस्तर आसीथिबा केन्द्रमंत्री अमित शाह राज्य में माओ गतिविधि और विपर्जय परिचालनार भी समीक्षा करते संध्या दिल्ली फेरी जाती शाह। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।